नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के सिवनी में वैष्णो देवी पहाड़ी पर आंवला पूजा धूमधाम से की गई। सिवनी के सब्जी विक्रेताओं ने किया भंडारा। सिवनी जिला मुख्यालय सिवनी से 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा ग्राम सिलादेही, जो अपने आप में एक धार्मिक सांस्कृतिक विरासत माना जाता है, यहां पर जगत जननी माँ वैष्णो देवी की पहाड़ी स्थित है, इसलिए इसे वैष्णो देवी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यहां पर प्रतिवर्ष 11 के पहले आंवला पूजा की जाती है। आंवला पूजा महिलाओं का धार्मिक त्यौहार है, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आंवला पूजा की उल्लेखनीय है कि इस वैष्णो देवी पहाड़ी जो भी मन्नत मानी जाती है, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूर दूर से इस वैष्णो देवी पहाड़ी पर महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और मंचा वरदान प्राप्त करती हैं। इस अवसर पर सिवनी के सब्जी विक्रेताओं ने विशाल भंडारा भोजन का आयोजन किया। क्षेत्र के सभी लोगों ने शामिल होकर भोजन प्रसादी ग्रहण किया और क्षेत्र की सुख सुविधा वैभव के लिए माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना की। इस अवसर पर रवि कुमार, तुलसी भैया, सिवनी के वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल थे। सिटी रिपोर्टर राजकुमार फरवे की रिपोर्ट। हाँ भाई साहब, आपका नाम? चंद्रशेखर गड़ेवाल। आप किस आयोजन से आए यहाँ पर? जी, सिलादेही वैष्णो देवी मंदिर। जोर से बोलिए। वैष्णो देवी सिलादेही मंदिर तीर्थस्थल, हर साल की अपेक्षा इस साल भी आवड़ा नवमी में भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है और हर साल रखा जाता है। ठीक है, धन्यवाद भाई। धन्यवाद। और कुछ? जय माता की। जय माता की।